तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि जियो और एयरटेल ने अपने रिचार्ज प्लान 3 जुलाई से महंगे कर दिए हैं। अब काफी सारे लोग ये सोच रहे हैं कि हम जियो और एयरटेल से बीएसएनएल में पोर्ट करा लें, क्या हमारे लिए बीएसएनएल सही रहेगा, क्या बीएसएनएल में सस्ते रिचार्ज प्लान है। तो देखो बीएसएनएल में काफी सस्ते रिचार्ज प्लान है जिससे आपकी जेब पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। काफी सस्ते रिचार्ज प्लान है, मगर ये तो पहले जान लो कि उसमें क्या सर्विसेज अच्छी है, क्या आप लोगों के लिए वो बेटर है, क्या आप लोग अगर बीएसएनएल में पोर्ट करा लेते हो तो आप लोग खुश रहोगे या नहीं। तो आइए जानते हैं रिचार्ज प्लान महंगे होने के बाद में क्या बीएसएनएल में पोर्ट कराना चाहिए या नहीं, बीएसएनएल में कितने सस्ते रिचार्ज प्लान आते हैं। तो पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो को आप लोग अंत तक देखना, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो जियो और एयरटेल ने 3 जुलाई से इतने ज्यादा महंगे रिचार्ज प्लान कर दिए हैं, काफी सारे लोग सोच में पड़ रहे हैं, कुछ लोगों को तो काफी गुस्सा भी आ रहा होगा। अब लोगों का ये कहना है कि चलो हम बीएसएनएल में पोर्ट करा लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बीएसएनएल में पोर्ट कराने का डिसीजन आपका सही होगा क्योंकि उसमें सस्ते रिचार्ज प्लान है, मगर आगे और भी डिटेल में जान लो क्या आप लोगों के लिए वो बेटर है या नहीं है। बीएसएनएल में अगर आप लोग पोर्ट करा के जाओगे तो मान लो कि आप लोगों से 50 से 60 रुपए लिया जाएगा और आपका पोर्ट कर दिया जाएगा। पोर्ट आपका होने के बाद में उसमें आप लोगों को मान लो कि एक रिचार्ज मिल जाएगा फ्री में 249 रुपए वाला, जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, 2 GB का डेटा डेली मिलेगा, 100 SMS भी आपको डेली मिलेंगे। इस प्लान की आपको वैलिडिटी मिलेगी 45 दिनों की। तो 45 दिनों का आप लोग पोर्ट कराओगे तो रिचार्ज फ्री में मिल जाएगा। अब आपने बीएसएनएल में पोर्ट कराया, वो फ्री का रिचार्ज मिला, वो आपने यूज कर लिया, अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आगे रिचार्ज कितने के आते हैं। तो चलो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं सिम चालू रखने के लिए। अगर आपको सिम एक्टिवेट रखना है तो 94 रुपए का रिचार्ज आता है इनका एक, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर 200 मिनट मिलते हैं कॉल करने के लिए। 200 मिनट ये कॉल करने के लिए है। इसमें आपको 3 GB का डेटा इकट्ठा मिल जाएगा, 30 दिनों की इसकी वैलिडिटी रहेगी, मतलब 30 दिनों तक आप लोगों का सिम कार्ड चालू रहेगा, ठीक है। और एक और रिचार्ज प्लान आता है इनका 107 रुपए का, जिसमें आप लोगों को 200 मिनट मिलेंगे कॉल करने के लिए, 3 GB का डेटा इसमें भी है, इसमें आपको 35 दिनों की वैलिडिटी मिल जाती है। अच्छा अगर आप लोग इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहोगे जो भी डेली 2 GB या 3 GB, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो रिचार्ज प्लान देखा जाए तो काफी सस्ते हैं। तो देखो 2 GB वाला आता है 199 रुपए का, जो कि जियो और एयरटेल में ऐसा रिचार्ज प्लान है मगर बेनिफिट कम है। बीएसएनएल के बारे में जान लो, 199 रुपए में आप लोगों को अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, 2 GB का डेटा डेली मिलेगा और आपको इसमें 100 SMS भी डेली मिलेंगे। इस प्लान की आपको वैलिडिटी मिलेगी 30 दिनों की, ठीक है। और बहुत सारे इनके रिचार्ज प्लान काफी सस्ते रिचार्ज प्लान आते हैं। अगर जिनको यहाँ पर सिर्फ कॉलिंग चाहिए, सिर्फ बात करना है, तो 99 रुपए का रिचार्ज प्लान आता है इनका एक। 99 में आप लोगों को क्या मिलता है, 99 में सिर्फ आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है, सिर्फ कॉलिंग, ना SMS ना कोई डेटा, 17 दिनों की वैलिडिटी रहने वाली है। और एक इनका आता है 147 रुपए का, जो कि आप लोगों को और किसी कंपनी में देखने को नहीं मिलेगा। 147 में अनलिमिटेड कॉलिंग, सिर्फ अनलिमिटेड कॉलिंग, और आपको इसमें 10 GB का डेटा मिल जाएगा और वैलिडिटी आप लोगों को मिलेगी 30 दिनों की। तो ये रिचार्ज प्लान है। अब यहाँ पर बीएसएनएल किन लोगों के लिए बेटर है, किन लोगों के लिए फायदेमंद है। देखो सस्ते रिचार्ज प्लान तो है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सस्ते रिचार्ज प्लान नहीं है, आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है बीएसएनएल, मगर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनके एरियाज में 4G नेटवर्क है, ठीक है। 3G से काम नहीं चलेगा, आप लोग इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे, या 2G से। तो जिन भी एरियाज में, जो भी बड़ी बड़ी सिटीज हैं, वहां पर अगर 4G नेटवर्क बीएसएनएल का लॉन्च हो गया है तो उन लोगों के लिए काफी बेटर है ये सिम कार्ड, वो लोग यूज कर सकते हैं। अब जिन एरियाज में कुछ ऐसा होता है कि लाइट आने पर ही नेटवर्क आता है, या कुछ ऐसे गाँव है जहाँ पर नेटवर्क ही नहीं आता है और वो चाहते कि हम चलो बीएसएनएल पोर्ट करा लें, क्योंकि मैंने यहाँ पर काफी केसेस ऐसे देखे हैं कि लोगों ने अपने कस्बे में जाकर जहाँ भी टावर लगा हुआ है वहां जाकर उन्होंने पोर्ट करा लिया और अपने गांव में आए वो पछता रहे हैं, उनके पास नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सोच समझ के पोर्ट कराना बीएसएनएल में, क्योंकि बीएसएनएल का नेटवर्क इतना कोई खास नेटवर्क नहीं है आप जैसा कि सोच रहे हो। देखो सिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, सिटीज में ऐसा होता है कि वहां पर यूजर काफी अच्छे होते हैं, तो ये कंपनियां क्या करती हैं वहां पर टावर लगवा देती हैं, तो नेटवर्क थोड़ा घटिया है। मगर हाँ, अगर आपका सिर्फ कॉलिंग से काम चल रहा है और आपके यहाँ नेटवर्क आ रहा है, आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, तो आप लोग करा सकते हो। अगर आपने करा लिया फिर आप लोग 90 दिनों बाद ही वापस आ पाओगे, ठीक है। 90 दिनों बाद ही अगर आप लोग जियो या एयरटेल में पोर्ट कराना चाहोगे तो करा पाओगे, इससे पहले आप लोग नहीं करा पाओगे, नंबर फिर चाहे आप लोग बंद करके रखो, ठीक है। देखो काफी सारे लोग, तो आपको पता है कि यहाँ पर इंटरनेट का जमाना है, सभी लोग इंटरनेट यूज करते हैं, तो बगैर इंटरनेट के कैसे आप लोगों का गुजारा होगा। और बीएसएनएल के सिम कार्ड में तो उम्मीद ही छोड़ दो कि आप लोगों का इंटरनेट चलेगा, हाँ थोड़ी बहुत कॉलिंग कर सकते हो अगर अच्छा नेटवर्क आता है जहां पर। वैसे बीएसएनएल ने देखो अभी रिचार्ज प्लान अपना महंगा नहीं किया है, मगर हाँ हल्के हल्के बीएसएनएल अपने रिचार्ज प्लान टाइम टू टाइम महंगे करता रहता है। तो अभी तो इनका नेटवर्क भी इतना बेटर नहीं है, फिर भी ये लोग हल्के हल्के रिचार्ज प्लान अपने महंगे करते रहते हैं। तो वैसे देखा जाए सभी कंपनियों से बीएसएनएल के रिचार्ज प्लान सस्ते हैं। अगर आप लोगों को बीएसएनएल के बारे में या किसी और कंपनी के बारे में कुछ और भी जानना है तो वो आप मुझको कमेंट में जरूर बताना। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, बाय बाय।